साथियों नमस्कार, इस वक्त हम जो है विधानसभा सुराव में हैं। यहाँ पे बीएसपी से प्रत्याशी आनंद पासी जी हैं, उनके लिए ब्राह्मण समाज से पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी जनसंपर्क कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण समाज संघ बजाएगा, किसकी सरकार बनाएगी, क्या सर क्या कहेंगे जी। अब जिसे कि इलाहाबाद के प्रत्येक विधानसभा में तो संख बजी रहा है और संखनाद दिखाई पड़ रहा है। ख़ासतौर से सुराव में हमारा भाई आनंद जिस तरह से घर घर जा कर के हमारे सब समाज से आशीर्वाद लेने काम कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आशीर्वाद लेने काम कर रहे हैं, तो इसको देख करके तो ये लग रहा है कि हाथी यहाँ पर की घर रहा। आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद तो चिल्लाते हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ में है। कौन? योगी जी उनके साथ है। हाँ, तो उनके साथ वो लोग हैं जिनकी आत्माएं ऊपर पहुंच करके और उनको याद कर रहे हैं कि निरपराध उन लोगों को स्वर्गवासी बना दिया गया, निरपराध उसके घर परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई और खुशी दुबे जैसी बेटियां और यहाँ मिश्रा जी यहाँ सुराव के ही थे, बगल में रायबेली के हमारे ब्रह्म समाज, सब लोगों को याद कर रहे हैं और सब लोगों की आत्मा से एक ही आवाज़ निकल रही है कि आप दोबारा इस प्रदेश में बताइए ब्राह्मण समाज के लिए बीएसपी में क्या क्या मुद्दे हैं। देखिए, चूंकि इस वक्त आचार संहिता चल रही है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, अगर पिछले लगभग 15 साल का इतिहास उठा करके हम लोग देखें तो 2007 से 2012 के बीच में सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज के हितों की, उनके मान सम्मान की, उनके स्वाभिमान की पूरी रक्षा हुई। लेकिन 2012 के बाद से ही ब्राह्मण समाज का अवमूल्यन किया जाने लगा और उस वक़्त हम लोग पूरी बात समझ नहीं पाए और सारा का सारा ब्रह्म समाज समाजवादी पार्टी से जल्दी निजात पाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को कूद गया। उसे क्या मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी तो एकदम दानों के रूप में ब्रह्म समाज के पीछे लग जाएगी। तो 17 से 22 के बीच में जो घटनाक्रम हुआ, इसके बीच जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम वास्तव में भयावह दुखदायी है, मतलब प्राणघातक। समाजवादी वाले जो है डायरेक्ट आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अब वो तो मालूम है कौन बी टीम है, वो अभी आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव साहब वो कौन वो हैं जो मोहन भागवत जी उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे और जिया साली का रिश्ता पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, अखिलेश यादव जी का और डिंपल यादव जी का, अपर्णा यादव जी का पीछे करवा दी, क्या रिश्तेदारी होगी आपको मालूम है। बहुजन समाज पार्टी अपनी रीतियों नीतियों के हिसाब से चलती है और वो चलती रहेगी। कुछ मीडिया, आप जान ही रहे कौन सी मीडिया की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने एक ऐसा प्रोपेगंडा कर दिया कि आज हमारा पूरा उत्तर प्रदेश तबाही की ओर जा रहा है। इसको तबाही और बर्बादी से बचाना है, रोजगार लाना है, विकास लाना है, उन्नत लाना है और विकास की राह तेज़ी से आगे बढ़ते देखना चाहते हो आदरणीया बहन कुमारी महाराज जी को पार्टी का। सर कल एक कांड हो गया उन्नाव में दलित बेटी के साथ, वहाँ पर जो है उनका शव जो है सपा नेता के जमीन पर पाया गया, क्या कहेंगे? देखिए वो और मायावती जी ने भी ट्वीट करके कहा कि सपा नेता पर आरोप है पूरा। देखिए, सपा नेता पर आरोप ही नहीं है, आपको याद होगा जब वो एक जो नौटंकी चल रही थी समाजवादी पार्टी की, वो जो कौन सा रथ उन्होंने अपना पहले अपने आप को विजयी मान करके डिक्लेयर करके जो याद हो, तो वो घर के परिजन उस परिवार के लोग न्याय के लिए गुहार के लिए इनकी गाड़ी क्या कूद पड़े थे और इतना सब कुछ होने के बाद भी न तो अखिलेश यादव ने उस परिवार को कोई मदद की और न ही वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कोई मदद की और उसका परिणाम आज आपके साथ। हमारे साथ में प्रत्याशी आनंद पासी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ब्राह्मण समाज का साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हाँ, हम अपनी विधानसभा में घूम रहे हैं और ब्राह्मण साथ हमारे साथ है और बड़े पैमाने पर साथ है और वो चाहता है कि आनंद पासी को हम यहाँ से जिताएं ताकि हम उनके दुख सुख में काम आए और वो खुद अपने आप को एक विधायक पाएंगे हमको जिताने के बाद। सुराव में जो है एससी समाज बसपा का कोर वोटर माना जाता है और अब की बार जो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो बेस वोट था हमारा यहाँ ऑलरेडी 1.5 लाख वोट है एससी समाज का और वो तो हमें मिल ही रहा है और सर्व समाज का वोट मिल रहा है, ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ है, अच्छा है और अच्छे बड़े पैमाने पर वोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से आनंद पासी को जिताएं ताकि सबका भला हो सके। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके जीतने के बाद? मुद्दे सब लोगों को मालूम है, यहाँ बेरोजगारी है, पढ़ाई लिखाई चल नहीं रही है
और ये मुद्दा तो सभी को मालूम है, नौकरियाँ मिलेंगी नहीं, मिल नहीं रही हैं, और सबको मालूम है कि बहन जी नौकरी का था सागर है, वही नौकरी देती हैं सबको। जहाँ कम पढ़े लिखे लोग थे उनको भी नौकरी दिया, 8 तक पढ़े लिखे लोग थे उनको सफाई कर्मी में नौकरी देने का काम किया, तो बहुत नौकरी दिया उन्होंने। विधानसभा चुनाव में अपना दल के जो है सरोज जी हैं विधायक, उनको कैसे टक्कर देंगे आप? उनको टक्कर हम क्या देंगे, टक्कर की कोई बात ही नहीं है ना, वहाँ पे सारे लोग उनसे त्रस्त हैं। 5 साल लोग कहते हैं कोई दिखाई नहीं दिए पहले बार, और क्षेत्र की जनता उनसे बहुत नाराज है, सब वो चाहते हैं कि इस बार आनंद पासी को जिताएं अपने विधानसभा से। ताकि आप पर भी आरोप लाया जाता है कि आप बाहरी हैं। नहीं, बाहरी का है का बाहरी भाई, हम तो यही हमारा फाफा पंप है, यही हमारा बिजनेस है, कारोबार है। तो बाहरी लोग, बाहरी उसको कहते हैं जो गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव लड़े, बाहरी इसको कहते हैं, और दूर से जाके दूर चुनाव लड़े, ऐसे कई चीज़ें वो बाहरी होते हैं। एक जनपद से सटे हुए गांव होते हैं, उन्हें बाहरी नहीं कहा जा सकता। तो इस वक्त जो है जनसंपर्क इनका चल रहा था, हम गांव में हैं, यहाँ पे ब्राह्मण समाज के काफ़ी लोग हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आपके साथ जी, आप लोग ब्राह्मण समाज से हैं दादा, क्या गांव लगता है ये? बहुत बढ़िया गांव है, मोहम्मदपुर कटिया। कौन सा गांव है दादा? मोहम्मदपुर कटिया। तो किस तरह से जिताएंगे आनंद पासी जी को? अरे हमने जिताओ, और कैसे जिताओ? अभी हमने तो सुना तो आप भाजपा को देते हैं। भाजपा कहाँ जीतेगी, ना भाजपा के देंगे। बसपा का कहना है कि ब्राह्मण समाज पर जो है बहुत अत्याचार होता है। ब्राह्मण पर किसी का अधिकार नहीं है, भोलेनाथ का अधिकार होता है। तो आप किसको जिताएंगे? आनंद को जिताएंगे। यहाँ पे भी जो है आनंद पासी जी को जिताएंगे।